संसार को खड़ा करने में जा रहा है सब मनुष्यों का। कई लोग तो इतने दुर्भागी हैं कि 60 साल की उम्र हो गई, बच्चों को और अपने लिए घर तक नहीं उनके पास बन पाया है। अब 10-5 साल और बचे हैं उनके ज्यादा से ज्यादा, और पूरी जिंदगी संसार करने में कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ भजन ध्यान किया ही नहीं, भगवान को विसर के भी, पूजा को विसर के भी, नित्य कर्म को भूल के भी संसार कुछ कर नहीं पाया। समस्या संसार में सबके साथ है बंधु। एक बार हड्डी गले लग जाए कुत्ते के, तो उस हड्डी को छुपा छुपा कर खाता रहता है और इतना पागल हो जाता है भोग में कि हड्डी को खा तो सकता नहीं और ना ही वो भोजन है, पर उसे मुंह में चूसता है। हड्डी के कड़क होने के कारण उसके अंदर से जबड़ा फटने लगता है, खून निकलता है, और उस खून को चूसता है तो उसको लगता है हड्डी में ही मजा आ रहा है। इसीलिए कहावत बनी है समाज में, संसार भोगो, काम करो, नौकरी करो, धरती पर कहीं भी कमाने जाओ, सब छूट है, पर काम धाम को, कमाई को, संसार को गले की हड्डी मत बना लेना। संसार अगर गले की हड्डी बन गया फिर तो ये संसार तुम्हारे जबड़े में अटक अटक कर तुम्हें खून से लथपथ करेगा और कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी पेट नहीं भरेगा। इसलिए संसार का कोई भी आदत गले की हड्डी ना बन जाए, इसके लिए वेद भगवान कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिता माग्र धाकस्य सिद्धनु। ये मंत्र का थोड़ा सा टुकड़ा बोला है पर पूरा मंत्र बोल देते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता माग्र धाकस्य सिद्धनु। इस मंत्र में यह कहा गया है कि किंचित मात्र स्थान धरती पर ऐसा नहीं है जहां परमात्मा मौजूद ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वं तेन तक्तेन भुंजिता, सर्वत्र परमात्मा मौजूद है फिर भी आदमी देखो नौकरी ढूंढने के लिए कहां कहां भटक रहा है, काम के लिए कहां कहां भटक रहा है, कौन कौन से पूंजीपति सेठ की गुलामी के लिए दरवाजे पर खड़ा है दिन भर से कि नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। पर मेरी जो भावना है, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कथा के माध्यम से कि माग बंदे माग उस भगवान से, माग बंदे माग उस भगवान से, क्या मिलेगा माग कर इस झूठे इंसान से, मांग बंदे उस भगवान। आप अगर नौकरी मांग रहे हो, काम मांग रहे हो तो आप भिखारी छोटे हैं, पर ईमानदारी ये है कि जिसके घर पर आप खड़े हो वो बड़ा भिखारी है, बड़ी डिमांड लेकर बैठा है। आपको जो भी बड़ा दिख रहा हो समाज में भिखारी भी वो उतना ही बड़ा है, और आपको जो गिरे पड़े दिख रहे हैं वो भिखारी बहुत छोटे हैं, उनकी सोच छोटी है, डिमांड छोटी है,
उनका भगवान के साथ में मांगने करने का जो विषय वो बहुत छोटा है, पर ये जो पूंजीपति बड़े बड़े जो लोग हैं, इनकी भूख नहीं मिटती। क्यों? हड्डी जो लग गई है गले को संसार की, शौक मौज सम्मान की, धन वैभव की, और जैसे ही कुछ कम ज्यादा होता है तो इनका बीपी बढ़ता है। इसीलिए सारा संसार विकारी है। इसीलिए हमारे फिल्म वालों ने बंबई में गाने बहुत सारे बनाए हैं, तो एक गाना इसके ऊपर भी बनाया है। दाता एक भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया भिखारी है, कोई कम भिखारी है कोई ज्यादा है। दाता तो एक ही है परमात्मा, और परमात्मा के अलावा कोई दाता है तो वो सद्गुरुदेव है। ये पेड़ पौधे ये सब दाता है। एक भी पौधा तुमसे कुछ मांग नहीं रहा है और तुमको दिए जा रहा है फल छाया लकड़ी हवा पानी तक पौधे की कृपा से मिलता है। परोपकाराय फलंत वृक्ष, परोपकाराय बहन्ति नद्यां, सारी नदियां दाता हैं तुम्हारे लिए, सब दे रही हैं, तुमसे कुछ ले नहीं रही हैं। परोपकाराय इदं शरीरम, जैसे वृक्ष का परोपकार, गाय का परोपकार, नदियों का परोपकार, वैसे ही मानव शरीर का भी परोपकार है। मानव को भिखारी नहीं दाता बनना चाहिए, ऐसा कथा कह रही है। गोस्वामी रामायण में लिखते हैं, तुलसीदास जी लहर कह रहे हैं कि जिंदगी में अपना जो हाथ है वह कैसा रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए नीचे की ओर लटका हुआ। जो तू कर पे कर करे कर तल ना ही करे, कर पर कर करो, कर माने हाथ है और हाथ पर हाथ करो तो ठीक है, करतल माने हथलेटी। ऐसे करना पड़े तो फिर कहते हैं गोस्वामी, भारत में 1982 के बाद आया है। और 2000 सन के बाद भरपूर पैसा सबके पास आया, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। अब गरीबी अगर किसी के पास में है बस हो गया, तो उसके बुरे कर्मों के कारण ही कोई गरीब होगा। अब धन इतना है कि समेटना मुश्किल है, पर बदकिस्मती धन बढ़ने का टाइम आया तो धर्म खत्म हो गया, और जब धर्म नहीं था तो भगवान आए स्थापित किया। कली सयानो भवती ही, कलयुग का वो चरम आना है कि जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। धर्म तो भगवान की स्थापना करने का भाव समय आ जाएगा, पर भगवान जब आते हैं तो आधी जनता जो है वो नष्ट हो जाती है महाराज। क्यों?
दुर्जनों को मार डालते हैं भगवान, दुष्टों को मार डालते हैं, राक्षसों को मार डालते हैं, अधर्मियों को मार डालते हैं। कल हम कथा सुन रहे थे, आज उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और मेरा जो विषय है प्रवचन का वो भी इसी से जुड़ जाएगा। एक अच्छे व्यक्ति का क्षेत्र में आना, गांव में आना, शहर में आना कितना लक्की होता है वो तो इस कथा से समझेगा। जैसे ही भगवान का आगमन गोकुल में हुआ उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि गोकुल में 33 करोड़ देवता सब पधार गए। भगवान के आने के बाद, भगवान के आने के पहले सब देवता गोकुल में पहुंच गए प्रभु का दर्शन पाने के लिए। यह है किसी महापुरुष के आगमन का परिणाम। और कोई पापी, कोई दुष्ट आत्मा आए तो खुशियां गायब हो जाती हैं, आनंद खत्म हो जाता है। आप सबके घर में नहीं होगा तो 50% घरों में दारूबाज होते हैं, दारू पीने वाले लोग। जब तक दारू पीने वाला घर नहीं आता है तब तक घर में शांति, और जैसे ही वो दारूरा घर में घुसा पूरे घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखो अपना बेटा है फिर भी घर वालों को लगता है भूत आ गया, प्रेत आ गया। आ गया, आ गया, आ गया मतलब है कि किसी को चाहिए नहीं कि वो आए घर में, क्योंकि उसके कर्म इतने नालायक हैं। और वो सबको चाहिए था, उसको पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, साधु, महात्मा, मौलवी, मुल्ला कोई छोड़ा नहीं है। मैडम ने सब जगह धागा ताबीज करवाए हैं, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। हो गया पर दुष्ट निकला तो माँ कहती है बांझ होती तो अच्छा था, मैं मर जाऊं या तो ये मर जाए। ये भाषा है माताओं की, कब, जब औलाद दुष्ट होती है तब। और जब औलाद होती नहीं है तो फिर माँ कहती है काला दे दो, पीला दे दो, कैसा भी दे दो पर एक बच्चा दे दो, लड़की दे दो पर मेरी गोद भर जाए। भूख में चटनी रोटी अच्छी लगती है, ऐसे लड़की भड़की भी हो जाए तो अच्छी लगती है, और 3-4 प्रकार के आइटम रोज खा रहा हो तो फिर कहां अच्छा लगता है। तो गोकुल में जो बालक आया है ये भूख में आया है। 80 साल की उम्र हो गई है नंद बाबा की, तब उनके घर में चिराग खिला है, उनके घर में सेवा खिली है। और ये सब हुआ कैसे, गाय की सेवा करने से। मैं आज निश्चित करके बता रहा हूं आपको, अगर आपको मेडिसिन साइंस भी फेल हो गया और बालक नहीं हो रहा, अनेक डॉक्टर फेल हो गए और बालक नहीं हो रहा, मां नहीं बन पा रहे, पिता नहीं बन पा रहे, तो गाय की बछड़ी जो दूध छोड़ दे पीना, 6 महीने की, 7 महीने की हो जाए, उस बछड़ी को आप अपने घर ले आओ और उस बछड़ी की पुत्र की तरह सेवा करो, निलाओ, दुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, पुचकारो, सेवा करो। बछड़ी 3-3.5 साल में मां बनने को तैयार हो जाती है गाय की। वो जब मां बनेगी उससे पहले वो सेवा करने वाली औरत को मां बना देती है। ये तपस्या है गौ माता की, ये प्रभाव है गाय का। टेस्ट बेबी करवा लिया, ट्यूब में करवा लिया, फलाना करवा लिया, 2.5 लाख वहां लग गए, 3 लाख वहां लग गए, 5 लाख वहां लग गए, कुल मिलाकर 18 लाख हो गए। बच्चे नहीं हो रहे, खर्चा, इतना खर्चा हो गया, पूरा शरीर खराब हो गया, जहर खा खा कर गर्भाशय सड़ गया, सब शरीर में मोटापा छा गया, अब कहां से कुछ होगा। केवल साइंस तुम्हारे जीवन में सत्य है ना, केवल साइंस नहीं और बिना साइंस के भी नहीं। साइंस चाहिए, भूगोल से ही संसार बना है तो भूगोल चाहिए, पर केवल साइंस नहीं चाहिए, साथ में परमार्थ चाहिए। पुण्य का अभाव होने पर संतान का आगमन नहीं होता है। पुण्य कमाओ, अरे यज्ञ करो, कथाएं करो,
दवा खाने में लुटा रहे हो, कुछ करो, जब खेती में माल बढ़िया हो जाएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पुराने जमाने में जैसे दुकान में बीज नहीं बिकते थे, पहले किसान के घर में ही बीज पैदा होता था, पहले इतना मॉडर्न था नहीं जमाना, तो किसान लोग अपने खेत में से मक्का बाजरा सब बचा के रख लेते थे, छलने में छान कर जो दाने मोटे मोटे रहते थे उनको थैली में भर के रख देते थे बोने के लिए, बारीक बारीक दाना नीचे से निकल जाए उसको खा पी कर खत्म कर देते थे। पर कथा में रुपया चढ़ाना हो, साधु के चरण पर रुपया चढ़ाना हो, यज्ञशाला में दक्षिणा चढ़ानी हो, तो जेब में से तो गड्डी निकालता है, सबके सामने पैसा वाला ही बनना चाहता है, पर उसमें से ढूंढ ढूंढ के सबसे छोटे वाले रुपया को निकाल के भागवत पे अर्पण करता है। 500 का, 200 का, 200 का, 200 का, 200 का, 100 का, 100 का, 50 का, 50 का, 50 का, 20 का, 20 का, 10 का जब आ जाता है तब लो पूछना, ये चाह रहा हूं जवाल मैंने किया है, उत्तर तुमको देना है। खेत में अगर बीज का दाना अगर छोटा सा बारीक सा डाला जाएगा तो वो अंकुरित अच्छी तरह होने वाला नहीं है, इसीलिए छान कर। तो मैं कहना चाहता हूँ फसल अच्छी चाहिए ना, कल अच्छा चाहिए, फसल अच्छी आवे तो मोटा मोटा चढ़ाया करो, बड़ा बड़ा चढ़ाया करो परमात्मा के नाम पे, ढूंढ ढूंढ के फटे फटे टुकड़े टुकड़े तोड़ने तोड़ने ला। और फल बड़ा चाहते हो, फल बड़ा मिल जाए, इतना फल बड़ा मिल जाए कि 50 साल से मिला न हो, 20 साल से फल मिला न हो, और यही मिल जाए 20 रुपए में, बोलो महाराज आशीर्वाद दो, बड़ा कष्ट है महाराज, बड़ा कष्ट है महाराज। हाँ कष्ट महाराज मिटाए, और माल औलाद के लिए जमा कर रहे, औलाद के पास जाओ वो मिटाएंगे तुम्हारा कष्ट। अरे महाराज वही तो कष्ट दे रहे, और एक औलाद आज गोकुल में पधारी है जिसके आने से नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय जयकार हो रहा है गोकुल में, आनंद मचा हुआ है गोकुल में, सारे देवता यशोदा मैया के पास में आके झोली फैला रहे, सबके दाता देवता यशोदा के पास में आए हैं और झोली फैला रहे हैं। हाँ? हरि दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, मैया लाला भयो है दे दो बधाई। कौन कह रहे हैं? सूर्य देवता, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, इंद्र आदि सब देवता आए हैं और बधाई मांग रहे हैं। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, हाँ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, जय हो नंद के लाला की। मॉनिटर
87,000 ऋषि, उनके मुखिया केवल सौनक जी अकेले, और ये पूरे पंडाल के जितने बिहारी कथा सुनने आए हैं उन सब ने एक ही आदमी को नाचने के लिए खड़ा कर दिया कि तू ही नाच ले सबकी तरफ से। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, इसमें ना बैठे आकर, इसको मदारी के लिए छोड़ दो, थोड़ा जमुड़ा खेल खेलता रहेगा इसमें। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, ढोल और तार, नाच नाच के गा में बधाई, बजे ढोल और थार, नाच नाच के गा में बधाई, बजे ढोल और तार, नाच नाच के गा में बधाई, बजे ढोल और थार। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हाँ दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। भगवान की माँ से मांगोगे तो मिल भी सकता है, और तुम इधर उधर मांगते फिर रहे हो। अरे पीछे वालों, फैला दो झोली भगवान के सामने, आज बाबा बरस रहे हैं, सोना हीरे मोती बरसा रहे महाराज। बोल सतगुरुदेव भगवान। को अन धन मैया लहंगा चुनर हार, दे हमको अन धन मैया लहंगा चुनर साड़ी,
झूलर साड़ी दे दे हमको अनदन मैया लहंगा झूलर साड़ी। हाँ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। हाँ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। ओ तेरी बचे हैं दो और जिंदगी के दिन है चार। सिल के ऊपर पहले चटनी पीसते थे लोग, सिल पे पीसते पीसते चटनी इधर उधर फैलती तो उंगली से समेट के फिर बीच में धर के फिर घसाई। तो इन बिहारियों को बेटा इकट्ठा कर करके घसने दे, ये जल्दी सुधरने वाले ना महाराज। लंबा कार्यक्रम है, चालीस चालीस साल से पी रहे हैं। ओ भैया काली जाकेट चश्मा चारों तरफ घूम घूम के देखवे में मजा ना धरो कच्चू। उतर पड़ो मैदान में छोड़ के, अब बजा बेटा। कैसे बनी तो मेरा साथ दो, मेरा साथ दोगे तो 6 बजे तक लुटता ही रहेगा माँ। कैसे बनी
तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए देखो ये क्या कह रहे हैं देवता कह रहे लडुआ मिठाई खिला दो मछली अंडा छुड़वा दो दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए हाँ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में